हेलो, जय गुरुदेव रीसा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? बद्धा मजा माँ। तो मेरे हाथ में है ये सर्दियों की महारानी साहिबा चाय। मैं अभी पी रही हूँ चाय और बस हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत। तो चलिए फिर से एक नया दिन, एक नया सवेरा और हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये ऐसी फली थी पापड़ी, उसको यहाँ पे साफ़ कर लिया। ये इतना सारा इसमें से कचरा निकला और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और धो लिया अच्छे से। और अब बनाएंगे इनकी सब्जी। और यहाँ पे मम्मी आ गई मारवाड़ जाके। मम्मी मारवाड़ में ठंडी की थी कि थोड़ी आपने थोड़ी लागी, बाकी गणा ने लागे रही है। और अभी बताते मम्मी हमारे लिए क्या ले ले रही। मासी मासी यहाँ पे सब देख रही है मम्मी क्या लेके आए। मम्मी क्या लेके आए? मम्मी है ना पाली का फेमस हलवा लेके आए, गुलाब हलवा ने। मम्मी आप सृष्टि रानी काला जामुन ने ला लड़िया। और मम्मी मेहंदी, और ये मेहंदी इसमें भी है सारी मिठाई। और जहाँ पे गए थे वहाँ से ये बूंदी। और ये सुपारी, और ये मारवाड़ के बोर ले वहाँ से खा ले, सुगंध आवे नहीं। और अभी मैं कर रही हूँ लंच, ये रोटी प्याज हल्दी की सब्जी और वो फली की सब्जी। और बच्चे भी आ गए स्कूल से। यहाँ पे किसू मुझे पानी पकड़ा रही है। अभी बज रहे हैं 5 और अभी तक ये किसू सोई हुई है। मैं आई हूँ इसे उठाने, घोड़े बेच के सो रही है किसू। फिर रात को नींद नहीं आएगी, उठ जा। ए कुका कुका उठनी, पहले मैं इसे उठा देती हूँ। और यहाँ पे ये युवराज उड़ा रहा है पतंग, वो खड़ी है साथ में सृष्टि। अब इनके टेस्ट खत्म, इसलिए इन लोगों के मजे देखो। यूवी, और वो रहा यूवी का पतंग, और वो रहे सूर्य भगवान जो आज निकले ही नहीं थे। आज का मौसम देख लो, यहाँ का बादल बादल, ठंडी हवाएं, और सूर्य भगवान चले अपने घर। और मैं लेने आ गई ये कपड़े। ये हमारी टेरिस है, इसके ऊपर की एक टेरिस है, वहाँ पे ये यूवी पतंग उड़ा रहा है। देखो पतंग उड़ाने में मस्त। यूवी काय पो। और वो दोनों ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं और ये यहाँ पे ले रही है चाय के मज़े। अभी उठ के आई है नींद में से और यहाँ पीने लग गई चाय। स्टाइल तो देखो इसकी। और यहाँ पर बन रहा है दाल पालक, जिसके लिए चढ़ा दिया तेल। ये रहा पालक और इसमें उबाली हुई ये दाल, और ये मसाला रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैं लगा रही बाटी के लिए आटा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सर नमक हल्दी तेल डाल दिया और अच्छे से कर लूँगी अभी इसे मिक्स, और लगाऊंगी बाटी के लिए आटा। आज हम बना रहे हैं दाल बाटी। यहाँ पे मैंने बाटी भी बना दी और सेकने के लिए रुक भी दी। और ये देखो बाटियाँ सीखने को भी है तैयार। ये बाटी सीख गई, थोड़ी सी कच्ची है। हमारे इस गैस पे हम बाटी का वो कुकर नहीं चढ़ा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर साइड में ये करना पड़ता है। सिंगल गैस लगाते हैं और ये गैस की टंकी, और यहाँ पे बाटी सेकते हैं। और ये मासी करी यहाँ पे दिया बती। मासी पहले हम कितनी बाटी बनाते थे हमारे, अब क्या इस गैस पे वो गैस लगाना पड़ता है, इसलिए हम लोग 15 दिन में एक बार बाटी बनाते हैं ना। बाटी बनाए या नहीं बनाए, नहीं तो सबको इतना शौक है। इस गैस पे कुकर चढ़ा नहीं सकते बाटी का, और यहाँ पे लगाना पड़ता है अलग से सारा सिस्टम, इसलिए विचार कम करते हैं ना मासी बाटी बनाने का। और ये देखो आज बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ये लोग देख रहे टीवी, और उसमें भी मेरा ब्लॉग नहीं देख रहे, ये इनके स्कूल का प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। ओहो खांसी आवे हैं।
और बाटी सीख रही है, तब तक मैं साथ में ये कपड़े भी समेट रही हूँ और भी करूँगी इनको आयरन। और ये दाल बन के हो चुकी है तैयार, और साथ में ये हल्दी की सब्जी, और ये देखो बाटी भी हो गई रेडी। और अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए डिश, मैं कर रही हूँ डिनर। और यहाँ पे मासी जी कर रहे हैं तैयारी। कोई मासी स्टॉल ले ही मर जाए बटे। हम कहीं जाने वाले हैं कल, कहाँ जाएंगे वो पता चलेगा, हम जब वहाँ पहुँचेंगे हमारा वहाँ का ब्लॉग आएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं, कल हमें निकलना है इसलिए जाने की तैयारी। यहाँ पे मासी अपना सारा निकाल रही है, और वैसे हम फिक्स मतलब पूरा फिक्स नहीं है, 99% जाना है, फिर 1% का पता नहीं। तो मासी कर रही है अपनी पैकिंग, मेरी पैकिंग, यस वन डे का ही टूर है अपना, मेरी भी अभी बाकी है। तो मासी हम करेंगे अब पैकिंग, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। और आज थी पूनम, तो मम्मी और किसु के पापा गए थे हमारे पास में ही है ब्रह्मा जी का मंदिर, वहाँ पे गोला का हवन करने के लिए। तो ये किसु के पापा ने बनाया था वीडियो, ये रहे ब्रह्मा जी के दर्शन हो रहे, और ये रहे हमारे मम्मी जी। तो चलिए फिर, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मंदिर बहुत सुंदर है, आप अंदर से आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोगों ने ज्योत के भी दर्शन कर लिए होंगे।